दोस्तों, आपने ऐसे कई कलाकारों का जिक्र सुना होगा जिनके सिबलिंग्स फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं, पर ये कलाकार खुद फिल्मी दुनिया में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हों। इसके अलावा आपने ऐसे कलाकारों से भी संबंधित चर्चा सुनी होगी जिनका ताल्लुक तो फिल्मी परिवार से रहा, पर ये कलाकार अपने बैकग्राउंड और उससे जुड़े अनुभव को प्रयोग में लाकर करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाए। दोस्तों, अगर इन दोनों परिस्थितियों को साथ रख दिया जाए तो ये अभिनेता फैजल खान के हालातों से जरूर मेल खाएगी। हम अभिनेता फैजल खान को अक्सर साल 2000 में आई फिल्म मेला के शंकर के रूप में याद रखते हैं, पर बीते कुछ सालों में फैजल खान गायब हो चुके हैं। बड़े पर्दे पर तो दूर वो पब्लिक डोमेन में भी कम ही नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि उनके खुद के भाई यानी सुपरस्टार आमिर खान ने ही उनके करियर को बर्बाद कर दिया था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक नजर दौड़ाते हैं अभिनेता फैजल के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर। यहाँ हम उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात पर रोशनी डालेंगे। दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभिनेता फैजल खान का जन्म 3 अगस्त 1966 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ताहिर हुसैन एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनका बचपन फिल्मी दुनिया और इससे जुड़े लोगों के करीब भी था। इनके परिवार के ज्यादातर लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बात फैजल की पढ़ाई लिखाई की करें तो उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई से ही हुई। बचपन से ही उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने की इच्छा पाली थी। सबसे पहली बार फैजल बड़े पर्दे पर साल 1969 में दिखे थे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 साल की छोटी सी उम्र में ही फैजल खान ने प्यार का मौसम नामक फिल्म में छोटे सुंदर का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में शशि कपूर, आशा पारेख जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म प्यार का मौसम को फैजल के चाचा नासिर हुसैन ने निर्देशित किया था। दोस्तों, अपनी पहली फिल्म के बाद फैजल ने साल 1988 में आई सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक में काम किया। गौरतलब है कि इस फिल्म में फैजल का किरदार छोटा था, उन्हें बाबा के गैंग के एक मेंबर का रोल मिला था। हम दर्शकों को बता दें कि फिल्म कयामत से कयामत तक नासिर हुसैन ने लिखी थी। इस फिल्म में फैजल के बड़े भाई आमिर खान और अभिनेत्री जूही चावला की जोड़ी ने धूम मचा दी थी, पर फैजल को इस बार फिल्म से कोई खास फायदा नहीं मिला। इस फिल्म के बाद करीब 4 सालों तक फैजल को कोई काम नहीं मिला। फिर साल 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर जतिन ललित की संगीत वाली सुपरहिट पिक्चर को मंसूर खान ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में भी फैजल के बड़े भाई आमिर खान एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे थे और फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें सारी लाइमलाइट भी मिली। फिल्म जो जीता वही सिकंदर में फैजल का किरदार बेहद छोटा था, उन्होंने एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म की रिलीज के बाद भी फैजल को कोई फायदा नहीं हुआ। एक अच्छे रोल के लिए उन्हें फिर से 2 साल रुकना पड़ा। साल 1994 में आई फिल्म मदहोश में फैजल को सूरज का किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म को ताहिर हुसैन ने प्रोड्यूस किया था, जबकि इसे प्रसिद्ध निर्देशक विक्रम भट्ट ने निर्देशित किया। दिलीप धवन, देवेन भोजनी, अंजलि जठर जैसे कलाकारों को लेकर बनी ये फिल्म कुछ हद तक फैजल को दर्शकों का अटेंशन देने में कामयाब रही, पर दुर्भाग्यवश इस फिल्म के बाद फैजल को कोई रेगुलर काम नहीं मिला। बड़े पर्दे पर दोबारा आने के लिए उन्हें अगले 6 सालों तक का इंतजार करना पड़ा। साल 2000 में आई मेला में उन्हें अपने भाई आमिर खान के साथ एक बार फिर काम करने का मौका मिला। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाल नहीं दिखा पाई, पर दर्शकों की नजरों में फैजल की छवि एक बार फिर आ चुकी थी। इस फिल्म के बाद फैजल ने काबू, दुश्मनी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, बस्ती, चांद बुझ गया, डेंजर, फैक्ट्री, ओपंडा जैसी फिल्मों में काम किया है, पर अफसोस की बात यह रही कि फैजल का करियर कभी परवान नहीं चढ़ पाया। अच्छी पर्सनैलिटी, फिल्मी बैकग्राउंड और काबिलियत होने के बावजूद फैजल कहीं खोसे गए। दोस्तों, फैजल कई सालों तक पब्लिक डोमेन में नजर नहीं आए। जब सामने आए तो उनके एक इंटरव्यू से एक अलग ही धमाका हुआ। फैजल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बड़े भाई आमिर खान ने ही उनका करियर बर्बाद कर दिया। फैजल का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। फैजल ने आगे बताया कि आमिर ने उन्हें 2004 में पकड़ लिया था। इसके बाद इन्हें पागलों वाली दवाई भी दी गई। फैजल ने यह भी बताया कि उन्हें हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया और उनके फोन जब्त कर लिए गए थे।
इसके अलावा आमिर ने फैजल के सिग्नेटरी राइट्स भी लेने की कोशिश की। उनके इन खुलासों ने फैंस को झिंझोड़ कर रख दिया, पर गौर करने वाली बात यह है कि उनके इस बयानों के बाद अभिनेता आमिर खान ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि फैजल ने ये तक कहा कि उनके साथ हुए इस व्यवहार के लिए वो आमिर को माफ कर चुके हैं। दोस्तों, कभी तो मीडिया में ये भी कहा गया कि फैजल मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनका इलाज हो रहा है। इसके अलावा आमिर और उनके पिता ताहिर के बीच लीगल बैटल भी चली, क्योंकि दोनों ही फैजल की कस्टडी चाहते थे। बाद में कस्टडी पिता के हाथों लग गई। तो दोस्तों, हमने अब तक आपको अभिनेता फैजल खान के उतार चढ़ाव भरे करियर और जीवन में आई उथल पुथल से रूबरू करवाया। चलिए अब जानते हैं उनके परिवार को थोड़ा और करीब से। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि फैजल के पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। इनकी माँ का नाम जीनत हुसैन है। अभिनेता आमिर खान फैजल के बड़े भाई हैं। उनकी दो बहनें भी हैं, जिनका नाम निखत खान और फरहत खान है। निखत भी एक फिल्म प्रोड्यूसर है। वहीं बात करें अन्य रिलेटिव्स की, तो फैजल के चाचा नासिर हुसैन एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देशक हैं। अभिनेता इमरान खान और तारिक खान भी फैजल खान के रिलेटिव्स हैं। उनका परिवार देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद से भी संबंधित है। बता दें कि फैजल खान ने शादी नहीं की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शादी और रिलेशनशिप एक महंगा सौदा है। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो एक परिवार संभाल सकें। आजकल फैजल खान निर्देशन में भी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि 2021 में आई फिल्म फैक्ट्री से फैजल ने फिर एक बार बॉलीवुड में कमबैक किया, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। तो दोस्तों, हमने अभिनेता फैजल खान के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातें की। उम्मीद है आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस सेलेब से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।